छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में बिजली विभाग हरकत में आ गया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व समाचार एक्सप्रेस के द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के मोबाइल पर आ रहे औसत बिजली के बिल से होश उड़ने की खबर चलाई गई थी, जिसमें विद्युत विभाग द्वारा लॉकडाउन में बिना मीटर रीडिंग के औसत बिजली बिल पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जा रहा था, लेकिन यह औसत बिल वास्तविक बिल से 5 गुना अधिक है, जिसके बाद विद्युत विभाग हरकत में आ गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ स्टेट कंपनी पावर लिमिटेड के अतिरिक्त महाप्रबंधक विजय मिश्रा ने एक वीडियो जारी कर बिजली उपभोक्ताओं को बताया है कि लॉकडाउन के कारण मीटर रीडिंग का कार्य बंद है, इसलिए औसत खपत के आधार पर बिजली बिल SMS के माध्यम से भेजा जा रहा है, जिसमें कुछ त्रुटियां होना स्वाभाविक है। इसका समाधान लॉकडाउन के बाद कर दिया जाएगा। यहाँ एक ओर पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, तो वहीं दूसरी ओर देश के बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारियों, नेता, अभिनेता, समाजसेवी, राजनीतिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर आर्थिक सहयोग देकर डगमगाती अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मुसीबत के समय भी केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। इन्हीं में से एक है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड, जो कि गरीब बिजली उपभोक्ताओं के साथ आपातकाल जैसी स्थिति में भी साहूकार जैसा व्यवहार कर रही है। जिस तरह साहूकार उधार पर दिए हुए रुपयों पर ब्याज लेता है, और जब कभी वह उधार के पैसे साहूकार को वापस लौटाने जाओ तो जब तक पूरा ब्याज ना पटाओ तब तक मूलधन नहीं पटता। छत्तीसगढ़ से स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त महाप्रबंधक विजय कुमार मिश्रा ने एक वीडियो जारी कर कंपनी की साहूकारी का प्रमाण दिया है। यहाँ एक ओर लोग गरीबों की मदद के लिए करोड़ों रुपए दान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिजली कंपनी राहत देने की बजाय सिर्फ गरीबों को मोहलत दे रही है और 30 अप्रैल तक बिजली बिल भरोगे तो कुछ कम कर दिया जाएगा, लेकिन बिजली बिल लिया जरूर जाएगा, जबकि 22 मार्च से 3 मई तक लॉकडाउन है। विजय मिश्रा ने जारी किए गए वीडियो के माध्यम से बताया कि निम्न दाब एवं घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल तक बिजली बिल भरने पर आम दिनों में लगने वाला अतिरिक्त अधिभार नहीं लगेगा। चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए मीटर रीडिंग का कार्य बंद है, इसलिए वास्तविक बिल के स्थान पर औसत बिल के हिसाब से बिजली बिल SMS के माध्यम से दिए जा रहे, लेकिन बिल लेंगे जरूर। जबकि यह बात कंपनी को भी अच्छी तरह पता है कि 22 मार्च से 14 मार्च तक प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा था, जो बढ़कर 3 मई हो गया है, और लोग रोजी रोटी छोड़कर अपने घरों में हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी गरीब बिजली बिल कैसे पटाएगा? छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। सभी बिजली उपभोक्ताओं को सादर नमस्कार। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए निम्न दाब बिजली उपभोक्ता और घरेलू उपभोक्ताओं के घर घर जाकर बिजली मीटर रीडिंग काम को भी रोकना पड़ा। ऐसी स्थिति में वास्तविक विद्युत खपत के बजाय औसत विद्युत खपत के आधार पर बने बिजली के बिल SMS के माध्यम से उपभोक्ताओं तक भेजे जा रहे हैं। चूंकि ये बिल औसत विद्युत खपत के आधार पर बने हैं तथा इसमें छत्तीसगढ़ राज्य शासन की ओर से घरेलू उपभोक्ताओं को हाफ रेट पर बिजली भुगतान की योजना के तहत दी जाने वाली छूट को तकनीकी कारणों से शामिल नहीं किया जा सका है। ऐसी स्थिति में बिल की राशि कम या ज्यादा होने की संभावना स्वाभाविक रूप से है। अतः उपभोक्ताओं के हित में कंपनी ने निर्णय लिया है कि अगले महीने उपभोक्ताओं को एक साथ हाफ रेट पर बिजली योजना के तहत 2 माह की छूट का लाभ दिया जाएगा, अर्थात प्रत्येक माह की 400-400 यूनिट को शामिल कर कुल 800 यूनिट पर लाभ दिया जाएगा। उपभोक्तागण यदि 30 अप्रैल तक बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो उन्हें कोई अधिभार नहीं देना होगा। ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान करने पर ट्रांजेक्शन चार्ज और GST का वहन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करेगी। और हाँ, यदि इस महीने आप कम या ज्यादा बिल पटाते हैं, निम्न दाब उपभोक्ता किस्तों पर पटाते हैं, तो अगले महीने वास्तविक खपत के आधार पर बने बिजली बिल में उनकी राशि को समायोजन अर्थात एडजस्ट किया जाएगा। उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की
आर्थिक हानि नहीं होने दी जाएगी, भरोसा रखें कंपनी पर। नमस्कार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.